हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज अपने वीडियो का स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम के 6:30 बजे। तो भी 6:30 बज चुके हैं शाम के, और मैं चश्मा साफ कर रही हूँ अभी। और अभी शाम 6:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग आज का। दिन भर कोई मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ तबीयत सही नहीं चल रहा है मेरा। लेकिन अभी फिलहाल मैं आज तो अभी ठीक हूँ, तो बस चल रही हूँ अब किचन में। और किचन में क्या, मैंने शाम के समय मैंने अपना कपड़ा लगा दिया है मशीन में, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आ गई हूँ अभी आंगन में, और इधर मैंने बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप लोगों को। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने मशीन लगाया हुआ है, और इधर कपड़े भी धुलते रहेंगे साथ के साथ, और मेरा काम भी होता रहेगा किचन का भी। तो अभी तो सब्जी आया नहीं है, देखती हूँ सब्जी में आज क्या बनाना है। तो अभी आ गई हूँ किचन में, और दूध यहाँ पे रख दिया है खुशी ने उबलने के लिए। दूध आया तो इंडक्शन मेरा खराब हो चुका है अभी, और आधा तो काम इसी पे हो रहा है। अब आधा क्या, पूरा काम हो रहा है। वैसे तो आधा काम हो जाता था, वैसे आधा काम हो जाता था इंडक्शन पे, आधा गैस पे, बट अभी सब काम पूरा काम इसी पे हो रहा है, गैस पे ही। तो दूध उबल जाता है, तब तक मैं मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। तो सब्जी में यह आया है बोड़ा, जिसे हम लोग बोलते हैं बोड़ा और बीन्स, यही आया है। तो इसी की सब्जी बनेगी आज, तो अभी कट कर ले रही हूँ मैं। आज धूप हो गया था, तो जिसकी वजह से धूप क्या, बहुत अच्छा वाला धूप हो गया था, जिसकी वजह से आज ज्यादा ठंडी नहीं है। अंदर से मैंने इनर पहन रखा है, उसके बाद कुर्ती, तो कुलेन कुर्ती भी नहीं पहना है आज, काटन की कुर्ती मैंने पहनी है। ये वाली कुर्ती मेरी बहुत बड़ी है, थोड़ी सी ढीली ढाली सी है, तो मुझे आराम मिलता है इसे पहनने में। गर्मी में जो आते हैं बोड़े, तो थोड़े से बड़े बड़े होते हैं, बटे वाले छोटे छोटे होते हैं, और इसमें बीज भी थोड़ा छोटा होता है। गर्मी वाले बीज में थोड़े बड़े बड़े बीज होते हैं, अच्छा वो भी लगता है मुझे। तो सब्जी कट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। थोड़ी देर के लिए बंद करती हूँ कैमरा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इधर बन चुका है मेरा चाय, और दूध भी लगभग उबल ही चुका है, तो भी गैस बंद करूंगी। और इधर मैंने सब्जी तो बोड़ा सिर्फ बीन्स कट कर लिया है, और आलू वैसे ही पड़ा है। तो अभी चल रही हूं मैं, पहले टीवी देखूंगी आधा घंटा, क्योंकि मैं देखती हूँ कलर्स पे आता है उड़ारिया, तो अभी फिलहाल वही देखूंगी, उसके बाद तो फिर और काम सब होगा।
टीवी देखने के बाद तो मिलती हूँ आप लोगों से, चाय पी लूँ, टीवी देख लूँ। और यहाँ पे मैंने खाया है च्यवनप्राश जो कि मेरे होठ पे लगा हुआ था, अभी मैंने कैमरे में देखा। तो पहले इसे साफ कर लूँ फिर उसके बाद चलती हूँ। तो चाय पीऊँगी और देखूँगी उड़ारिया। तो उड़ारिया देखने के बाद तो आप लोगों से मिलती हूँ। अभी भी लगा है। तो टीवी देखते देखते मैंने लहसुन और हरा मिर्च कट कर लिया, आलू भी कट कर लिया, ये सब काम कर लिया था। और 5 मिनट लेट से स्टार्ट हुआ था आज मेरा सीरियल उड़ारिया, और 5 मिनट लेट तक आया, 5 या 6 मिनट लेट ही आया। तो जैसा कि मैंने घड़ी दिखाया आप लोगों को, अभी आ गई हूँ किचन में और मुझे ठंडी सी लग रही थी इसलिए मैंने ओढ़ लिया है शॉल। सोच रही हूँ कि आज काम करते करते आप लोगों से बात भी करती रहूं और साथ के साथ खाना भी बनाती रहूं। और हाँ, अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए तुरंत, और जो भी न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बोलने को तो रोज बोल देते हैं हम लोग बट होता कुछ भी नहीं उससे, और पता नहीं क्यों मेरे तो वीडियो में व्यू ही नहीं आते। बिल्कुल भी व्यू नहीं आते जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। चली गई थी एक बार इसे फिर से धोनी, क्योंकि एक बार दो बार तो मैंने वैसे ही वाश कर लिया था कट करने से पहले, लेकिन अभ्यास सा हो गया था। एक बार सब्जी कट करने के बाद जरूर धोती हूँ। पहले आलू और कढ़ाई मेरी इधर है, क्योंकि क्या ज्यादा मेहनत करने से और एक सूट मंगाई थी टूट गया, फिर दूसरा मैंने नहीं मंगाया, कोई फायदा भी नहीं है, ज्यादा दूध तो आते नहीं। बहुत जरूरी है मुझे, बहुत बड़ा ब्लॉग बनाना है या तो डेली के डेली, तो अभी सोच रही हूँ कि छोटे छोटे ही ब्लॉग बनाऊंगी, ज्यादा बड़े नहीं बनाऊंगी। तो आलू मैंने डाल दिया है, आलू दो मिनट भून लेती हूँ फिर उसके बाद से आराम करती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि मैंने सोच रखा है कि छोटे वीडियो ही बनाऊंगी। और हाँ, सोचने से कुछ नहीं होता, जब मैं वीडियो एडिट करने लगी तब मुझे पता चला कि वीडियो तो मेरी बहुत लंबी हो चुकी थी, इसलिए मैंने इधर भी वॉइस बंद करके तो आप लोगों से स्पीड करके थोड़ा सा बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी थोड़ा सा वीडियो छोटा हो जाए। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मुझे बहुत हंसी आ रही है अभी तो, टीवी की वॉइस तो आप लोगों को आ रही होगी, दुर्गे जी बैठ के देख रहे हैं टीवी और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। खाना भी मेरा लगभग तैयार हो चुका है, बस रोटी बनाना है। तो सबको आई थी मैं बुलाने खाना खाने के लिए, चलते हैं रोटी की तरफ। चुकी है मेरी सब्जी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ऐसी बनी है मेरी सब्जी, अम्मी अम्मी सी, देखने में बहुत लजीज लग रही है। तो वैसे भी मेरी सब्जी मुझे बहुत पसंद आती है। तो अभी आरओ की आवाज आ रही होगी आप लोगों को, पता नहीं क्यों मेरा आरओ बहुत आवाज करता है। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं रोटियां,
और खाना भी मैंने निकाल दिया है, तो एक रोटी बन चुकी है मेरी, अभी फूली नहीं है वाली रोटी। और खाना देने जा रही हूँ दुबे जी को, तो रोटियां सेकती रहूंगी, साथ के साथ सब लोग खाना खा लेंगे, फिर मैं लास्ट में खाऊंगी, क्योंकि ऐसे सही रहता है ठंडी में। तो पानी एक साइड मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि ठंडी कुछ ज्यादा नहीं है इस वक्त अभी। तो साथ में मैं रोटियां भी बनाती जाऊंगी और सभी लोग खा भी लेंगे। तो ये वाली रोटी मेरी खूब अच्छी सी बनी है, फूल गई है, आप लोग देख सकते हैं। और एक रोटी पहली वाली मेरी फूलती नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो खुशी भी आ चुकी है खाना खाने के लिए। और अब मैं भी रोटी बना लूँ तो फिर आप लोगों। यहाँ पे मैं आई थी दुबे जी से पूछने कि सब्जी कैसी बनी है। दुबे जी ने बताया बहुत अच्छी बनी है। और वीडियो मेरी इतनी लंबी हो चुकी है कि मैं फिर से बात करके नहीं बाय बोलना चाहती थी। मैंने सोचा था छोटा वीडियो बनाऊंगी, बट बहुत लंबा हो गया है और बात करके बना रही थी तो मैं स्पीड भी नहीं कर सकती कि छोटा करूँ। तो बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।